1980 से पहले दुबई सिर्फ एक सहरा होता था, लेकिन दुबई के हुक्मरान ने सिर्फ 40 ही सालों में दुबई का नक्शा ही बदल डाला। जैम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम मुतहदा अरब इमारात के हुक्मरान हैं और इन्होंने ही दुबई को इतने कम अरसे में कामयाबियों की इस मंजिल तक पहुँचाया। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि अभी तक कई लोग दुबई को एक मुल्क मानते हैं, लेकिन असल में दुबई मुल्क नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एक शहर है। वो शहर जो कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा सहरा हुआ करता था। पूरी दुनिया अभी तक दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुबई जाती है, लेकिन दुबई का हुक्मरान इसको देख देख कर अब तंग हो चुका है। इसीलिए अब मोहम्मद बिन रशीद बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत तामीर कर रहा है, जिसका नाम है दुबई क्रीक टावर। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है, आज वही दुबई अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई क्रीक टावर 2021 तक तामीर कर दिया जाएगा, जो 1300 मीटर ऊंचा बादलों को फाड़ता हुआ निकलेगा, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर ही है। नाजरीन, दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। जबकि 1980 तक दुबई एक वीरान सहरा था, लेकिन उसके बाद दुबई से तेल निकल आया, जिसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन मोहम्मद बिन रशीद एक दाना और होशियार हुक्मरान है। उन्होंने दुबई को वहां से निकलने वाले तेल पे डिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो टूरिस्ट और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने लगा। और आज दुबई अपने तेल पे सिर्फ 5% डिपेंडेंट है। दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पे डिपेंड करता है, और अब दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके बावजूद कि दुबई की 15% आबादी वहां के मकामी अरब हैं और 85% आबादी फॉरेनर्स हैं जो दुबई में सिर्फ काम करने जाते हैं। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग होती थी, जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, और आज दुबई में टोटल 917 ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो बादलों से बातें करती हैं। अब आ जाते हैं दुबई की पुलिस कार्स पर। दुबई की पुलिस कोई छोटी मोटी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करती। दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुपर कार्स मौजूद हैं, जैसा कि ऑस्टन मार्टिन 177, ऑडी R8, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT और लैम्बोर्गिनी। अगर मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें टोटल 1200 शॉप्स मौजूद हैं। पाम जुमेरा इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जजीरा है जो दुबई में मौजूद है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7-स्टार होटल है, और वो भी दुबई में मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया बुर्जल अरब के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई में डिज्नी लैंड भी हो, जो अमेरिका में मौजूद डिज्नी लैंड से भी बड़ा हो, लेकिन डिज्नी लैंड ने मोहम्मद बिन रशीद की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, जिस पर मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई में डिज्नी लैंड से भी आला तरीन मयार के इनडोर एडवेंचर पार्क खोल दिए, जिसमें से एक है IMG वर्ल्ड, जिसके अंदर एक ही वक्त में 20,000 लोग लुत्फ़अंदोज हो सकते हैं। इन सारी बातों से ये साबित हो गया कि दुबई के हुक्मरानों की सोच इससे भी कई ज़्यादा बड़ी है।